भारतीय मजदूर संघ की सर्कल स्तर की बैठक आईपीएच विश्राम गृह जसूर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने की। मदन राणा ने बताया कि संपूर्ण विभाग व प्राइवेट में काम करने वाले चौकीदारों को राजनीतिक दलों द्वारा चौकीदार को चोर कहकर सभी चौकीदार बिरादरी का अपमान किया जा रहा है, जिसे भारतीय मजदूर संघ कतई सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस पर देश और प्रदेश स्तर पर जमकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उन राजनीतिक दलों जिन्होंने चौकीदार को चोर कहकर पुकारा है, उन्हें जवाब दिया जाएगा। आज हमारी नूरपुर सर्कल की एक महत्वपूर्ण बैठक हमने जहां बुलाई हुई है, आज देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके अंदर तरह तरह की बातें जैसे की जा रही हैं, इसमें कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा अपमान किया जा रहा है और ये अपमान भारतीय मजदूर संघ कतई सह नहीं करेगा। अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारों के दल व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाए, हमें कोई पत्ती नहीं है, परंतु चौकीदार को चोर बोलना ये भारतीय मजदूर संघ कतई सह नहीं करेगा। ये कर्मचारियों का बहुत बड़ा अपमान है। देश भर के अंदर लाखों की तादाद में आज चौकीदारी कर रहे हैं कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी कर्मचारी हैं चौकीदार। आज आर्मी के डिपुओं में भी चौकीदार कर रहे हैं। आज लगभग विभागों में चौकीदारी कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में चौकीदारी कर रहे हैं, बाजारों में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके दुकानदार चौकीदार बाहर रखते हैं। क्या चौकीदार चोर हो गए? चौकीदारों को चोर बोलना ये राजनीतिक दल इस बात को बंद करे, नहीं तो इसका जवाब आने वाले समय में देश भर का कर्मचारी और देश भर का चौकीदार इसका जवाब देने को तैयार बैठा है। ऐसा लफ्ज बोलना, व्यक्ति विशेष को चोर बोले हमें कोई पत्ती नहीं है, परंतु कर्मचारी को और चौकीदार को चोर बोलना ये गलत बात है। इस चीज को भारतीय मजदूर संघ कतई सहन नहीं करेगा।